तो यार अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं उठा हूँ रात के 1 बजे और यहाँ पर ज़्याला बारी हो रहा है, तो हम कुछ उठा लेते हैं ज़मीन से। इतने बड़े बड़े हैं ज़्याला। ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज के लिए, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आपसे व्लॉग में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सलाम अर्ज करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज का सीन कुछ इस तरह से है कि अभी हम जा रहे हैं बाहर बाइक वॉश करने, क्योंकि मैंने तकरीबन 2 महीने से अपने बाइक को वॉश नहीं किया है। ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं, क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था और कुछ मसरूफियात की वजह से हमने मतलब बाइक को वॉश नहीं किया है और इतना ज़्यादा गंदा हो गया है कि आपको क्या बताओ। आपको बाइक की हालत भी दिखाऊंगा आगे। तो अभी हम चलते हैं बाहर बाइक वॉश करते हैं, फिर आपसे व्लॉग में मिलते हैं। सो वॉच द व्लॉग टिल द एंड। तो यार क्वेटा में कल रात बारिश हुआ था और ज़्यादा भी हुआ था, तो अभी आप देख सकते हो खुद के स्टेयर्स भी अभी तक मतलब गीले हैं थोड़े से। और कल रात मैं उठा था तकरीबन 1 बजे कुछ क्लिप्स निकालने के लिए, और मैं वो मतलब वीडियो में ऐड ज़रूर करूँगा। और अभी आप मौसम चेक कर सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा सुहाना मौसम है। तो यार अभी जाता हूँ घर के अंदर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ठंड लग रहा है काफ़ी ज़्यादा, और घर के अंदर चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ ये है मेरा बाइक और ये तकरीबन मतलब चला है 5722 और ये है CD7023 मॉडल, और आप इसकी हालत देख सकते हो अभी इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है कि नाकाबिले यार इतना गंदा हो चुका है मेरा बाइक। तो अभी हम इसको जल्दी से साफ़ करते हैं। टैंकी की हालत देखो यार, लेकिन एक अच्छी बात है कि टैंकी पर अभी तक कोई भी स्क्रैच नहीं है, क्योंकि मैं अपने चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ और इसी वजह से सब चीज़ों को संभाल के रखता हूँ, तो इसी वजह से टैंकी पर कोई भी स्क्रैच नहीं आया है अभी तक। और इसका मतलब मैंने कुछ पार्ट्स और कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है, सिर्फ चेन जो ऑब्वियसली टाइट कराना रहता है कुछ देरों के बाद, और पेट्रोल डलवाना पड़ता है, फिर उसके बाद ऑयल चेंज करना पड़ता है इस साइड पर, तो सिर्फ मैंने ये किया है अभी तक, कुछ और नहीं।
यार अभी मैंने बाइक को कपड़ा भी लगा लिया है और थोड़ा सा साफ भी कर लिया है। मैं जा रहा हूँ एक दफ़ा टेरेस पर, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और आप देख सकते हो कि माशाल्लाह से आज बादल आए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम है। तो अभी हम चलते हैं एक दफ़ा टेरेस। तो यार अभी मैं जल्दी से इसको अरेंज करता हूँ, यानी कि सीधा करता हूँ, फिर चढ़ते हैं ऊपर, फिर चलते हैं टेरेस पर। तो यार मौसम आप अभी ख़ुद चेक कर सकते हो, यहाँ से हमारे घर से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। वहाँ पर है पहाड़, एंड दिस इज़ माय शैडो। तो यार अभी आपने देखा कि क्वेटा का मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत हो रहा है और अभी काफ़ी ज़्यादा बादल भी आए हुए हैं आसमान पर और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सीन है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से पहाड़ों पर, घरों पर और स्पेशली आसमान पर। और एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, अगर आपने नोटिस नहीं किया है अभी तक, तो वहाँ पर है टावर, वहाँ पर। तो यार अभी कुछ देर यहाँ पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं, कुछ इन्जॉय करते हैं व्यूज़ वगैरह, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। सो लेट मी इन्जॉय माई मोमेंट। तो यार आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाजमी से लाइक करना, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना और मेरे इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।